सारा अली खान के ड्राइवर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सामने आई खान परिवार की रिपोर्ट। सारा अली खान ने कल यानी 13 जुलाई देर रात इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। पोस्ट में उन्होंने बताया कि वो और उनके परिवार के लोग और घर के सारे स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को एक महीना होने पर मशहूर डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने ट्वीट किया है। भावुक मुकेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि अब तो कभी फोन भी नहीं आएगा तेरा। वहीं सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की कोस्टार संजना सांघी भी हुई इमोशनल। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर संजना ने बताया कि किस तरह सुशांत और उन्होंने मिलकर अपने ड्रीम्स के बारे में बातें की थी। सुशांत की मौत से उन्हें कितनी चोट पहुंची है और वो अपना वादा उनसे पूरा ना कर पाए, इसके बारे में भी कई चीजें लिखी है। अंकिता लोखंडे ने पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। सुशांत के निधन को एक महीना पूरा होने पर दिए की एक फोटो शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, भगवान का बच्चा। सुशांत सिंह राजपूत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने तोड़ी चुप्पी। सुशांत के जाने के महीने भर बाद रिया ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट और फोटोज के जरिए सुशांत को खोने का दर्द बयां किया है। लेकिन इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स का खून खौला। रिया को कमेंट्स में खरी खोटी सुनाई। स्वर्गीय इरफान खान को बहुत मिस कर रही है पत्नी सुतापा सिकदर। हाल ही में उन्होंने अपनी बालकनी में लगी फूलों की फोटो शेयर की। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हमारी बालकनी या तुम्हारी आती रही रात भर और ये खुशबू महकती रही रात भर। आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट को इंस्टाग्राम पर मिली दुष्कर्म की धमकियां। स्क्रीनशॉट शेयर कर कहा कि वो लीगल एक्शन लेंगी। शाहीन भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जो उन्हें पिछले कुछ दिनों से मिल रहे हैं। सात दिनों तक अस्पताल में रहेंगे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। फिलहाल अमिताभ अभिषेक नानावती अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में है। खबरों की माने तो दोनों की स्थिति स्थिर है और ट्रीटमेंट के बाद हालात में काफी सुधार है। हालांकि उन्हें कम से कम 7 दिनों के लिए अस्पताल में ही रहना होगा। अमिताभ बच्चन के बंगलों को बीएमसी ने कंटेनमेंट जोन में डाल दिया था और सैनिटाइजेशन प्रोसेस के बाद सील कर दिया गया। तो वहीं रेखा के घर के गार्ड के भी कोरोना वायरस के संक्रमित होने की जानकारी सामने आते ही उनके घर को भी बीएमसी ने सील कर दिया था। अब उनके पड़ोसी जोया अख्तर के घर को भी बीएमसी ने सील कर दिया है। हालांकि अभी तक जोया अख्तर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की जानकारी सामने नहीं आई है। सेफ्टी रीजंस की वजह से बीएमसी ने ये कदम उठाया है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा के ट्रेलर ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। इस फिल्म के ट्रेलर को YouTube पर सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं। फिल्म के ट्रेलर को करीब 10 मिलियन लोगों ने लाइक किया है। इसी के साथ ये YouTube की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लाइक हासिल करने वाला ट्रेलर बन गया है। बिहार में एक रोड का नाम सुशांत सिंह राजपूत पर रखे जाने के बाद मुंबई में सुशांत के एक फैमिली फ्रेंड नीलोत्पल मृणाल ने मांग रखी है कि बांद्रा की रोड का नाम सुशांत के नाम पर रखा जाए। फैन ने इसके लिए आदित्य ठाकरे और बीएमसी से मांग की है। इसके बाद बीएमसी के अधिकारियों ने नीलोत्पल को भरोसा दिया है कि वो इस मामले में जल्द ही कोई फैसला लेंगे।